सब्सक्राइब करें स्टडी नॉलेज चैनल को और बेल आइकन दबाएं सबसे पहले वीडियोस पाने के लिए। हेलो नमस्कार, मायसेल्फ अनिल कुमार यादव सूरज। स्टूडेंट, यदि आप हमारे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप हमारे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं। यदि आप हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिख रहा है, इस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आप अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं और आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप को लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज। स्वागत करते हैं फिर से क्लास 12 एनसीईआरटी पैटर्न्स सारणी डिटर्मिनेंट्स। आज का प्रश्नावली बनाया जा रहा है 4.2, तो ध्यान से समझिएगा। इसके मैंने पहले वीडियो सारा बना दिया है 4.1 और प्रश्नावली क्या अध्याय 1 से 3 तक, संबंध फलन से लेकर अभ्यूह तक मैंने सारा का सारा बना दिया है। और चौथा अध्याय है सारणिक और उसका मैं 4.2 के स्थान पे इसमें पहुंचा हूँ। इसके आगे भी वीडियो बन गया है, आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, बिना प्रसरण किए और सारणिक के गुणधर्मों का प्रयोग करके सिद्ध करना है। तो हमें बिना प्रसरण, मतलब प्रसरण हमें नहीं करना है, जो हम विस्तार कर रहे थे 4.1 में वो विस्तार हमें नहीं करना है। और यहाँ पे हमें सारणिक का गुणधर्म भी अपनाना पड़ेगा और उसका प्रयोग करके हमें सिद्ध करना है कि ये 0 के बराबर होना चाहिए। चलिए करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा लिखा है, एक्स ए एक्स प्लस ए, वाई बी वाई प्लस बी, जेड सी जेड प्लस सी। अब यहाँ पे देखिए एक चीज ध्यान से समझिएगा, सारणिक के जो गुणधर्म होते हैं वो क्या क्या होते हैं, वो बेसिक चीज़ें पे आती है। तो बेसिक चीज़ें आप अभी तक नहीं पढ़े तो मैं एक बार फिर से रिकमेंड करूँगा कि आप हमारे दूसरे वीडियो को देख लीजिए। आप YouTube पे सर्च करिए सारणिक, तो सारणिक अगर सर्च करते हैं तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, जैसा कि आपके होम स्क्रीन पे इस समय दिख रहा है, तो इस तरह दिखेगा। इस पर आप क्लिक करके वीडियोज देख लीजिए ताकि आपको बेसिक नियम पता चल सके। चलिए शुरू करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ लेते हैं। जोड़ेंगे तो x प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी मिल जाएगा और यहाँ पे भी वही चीजें मिल जाएगा। तो दो सारणिक का कॉलम या रो अगर बराबर होता है तो उसका वैल्यू 0 होता है, जैसा कि इस वाले लिंक पे क्लिक करने से आपको वो मिल जाएगा क्या क्या नियम होता है। चलिए तो हम क्या करते हैं, लिखेंगे यहाँ पे, लिख लेते हैं इसका एल्गोरिदम क्या उपयोग करना है। ब्रैकेट में C1 में हमें लिखना है C1 प्लस C2 से, ये एल्गोरिथम हमने अपनाना है और इसको लिख देते हैं। तो लिखेंगे x प्लस ए वाई प्लस बी और यहाँ पे z प्लस सी, ये तो मैंने जोड़ दिया दोनों को, ठीक है। और यहाँ पे a b c, मतलब C1 में हमें लिखना है, इस कॉलम में लिखना है C1 प्लस C2 को बस जोड़ना है, तो मैंने जोड़ लिया। बाकी चीज़ों को छोड़ देना है, बाकी चीज़ों में कोई भी परिवर्तन आपको नहीं करना है क्योंकि जो एल्गोरिथम आपने अपनाया वही यूज करना है। अब देखिए दो कॉलम बराबर हो गया तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है। सारणिक में नियम है दो कॉलम या दो रो अगर बराबर होते हैं तो उसकी वैल्यू 0। ये हो गया प्रूफ, ये आ गया राइट हैंड साइड। अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, सारणिक में a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए बी माइनस सी सी माइनस ए माइनस बी सी माइनस ए माइनस बी बी माइनस सी इज इक्वल टू 0 हमें सिद्ध करना है। अब क्या करते हैं, इसका एल्गोरिथम हम अपनाते हैं। तो अपनाने से पहले हम आपको बता दें कि इसको 0 लाने के लिए या तो दो बराबर कीजिए, या तो दो रो बराबर कीजिए, या तो किसी एक कॉलम को पूरा का पूरा 0 कर दीजिए या किसी एक रो को पूरा का पूरा 0 कर दीजिए, तो इसका मान 0 आ जाएगा। तो वही चीज़ हम यहाँ पे करने वाले हैं। हम अपनाएंगे C1 में लिखेंगे C1 प्लस C2 प्लस C3 से। अब ये क्यों, क्योंकि अगर तीनों को जोड़ते हैं तो देखिए ए ए से कट जाएगा, बी बी से कट जाएगा, सी सी से कट जाएगा और तीनों का मान हमें आ जाएगा 0। अगर ये तीनों का मान 0 आ गया तो हम 0 लिख सकते हैं। चलिए करते हैं, ए माइनस बी अब प्लस बी माइनस सी अब प्लस सी माइनस ए, ये मैंने ए में लिख लिया और नीचे भी बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, इसी तरह नीचे सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ये मैंने C1 में कर लिया। अब बाकी चीज़ों में कोई परिवर्तन नहीं करना है क्योंकि उसका एल्गोरिथम मैंने नहीं लगाया है। तो B माइनस सी सी माइनस ए सी माइनस ए माइनस बी, यहाँ पे A माइनस बी और B माइनस सी, ये बाकी चीज़ों को मैंने छोड़ दिया, ये हो गया सारणिक, ठीक है।
अब देखिए ये बी से बी कैंसिल, जी सी से सी कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल, इस तरह से ये सारा कट के जीरो, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो, तो लिखेंगे जीरो जीरो जीरो, और यहाँ पे बी माइनस सी, सी माइनस ए और ए माइनस बी, और इधर हो जाएगा सी माइनस ए, ए माइनस बी और बी माइनस सी। ठीक है, तो आपको पता होगा सारणी का एक नियम होता है, किसी भी कॉलम में सारा का सारा जीरो हो या रो में सारा का सारा जीरो, तो उसकी वैल्यू जीरो होता है, जो कि मैंने अगले वीडियो में आपको बता दिया है, उसको भी फिर से देख लीजिएगा, क्योंकि ये सारा का सारा नियम मैं उसमें बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर तीन, अब देखिए यहाँ पे दिया है सारणिक हमें जीरो बराबर लाना है। अब एक चीज है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मुझे किसी एक को जीरो बनाना है या तो किसी दो को समान बनाना है, वो चीजें तो करना पड़ेगा। अब एक चीजें ध्यान से समझिए, ये 65 है, अगर इसमें 9 का गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 सत्य के 63, और इसको जोड़ेंगे तो 63 दो 65, और इन दोनों को घटा देंगे 65 65 जीरो हो जाएगा। इसमें भी 9 से करेंगे 9 8 72 और 3 75 जोड़ के घटा देंगे आ जाएगा जीरो, और 9 9 81 81 5 86 जोड़ के घटा देंगे आ जाएगा जीरो। मतलब वही चीज़ें मुझे करना पड़ेगा, तो जो मैंने सोचा है उस चीज़ों को लिखना भी पड़ेगा। तो हम C3 में लिखेंगे, अब क्या एल्गोरिथम लिखेंगे वो लिखेंगे, C3 में से घटाना है C1 माइनस 9C2, मतलब C2 में मुझे 9 से सभी में गुणा करना है और इसको जोड़ देना है, वही चीज़ें मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। तो देखिए एल्गोरिथम आप ध्यान से देख लीजिए, इसी का उपयोग मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। देखिए तो क्या हो जाएगा, इस दोनों में मुझे कोई भी परिवर्तन नहीं करना है, इसलिए मैं इसको लिख लेता हूँ 2 7 3 8 5 9, इसमें मुझे कोई भी परिवर्तन नहीं करना है, क्योंकि मुझे केवल C3 में लिखना है और किसी में नहीं लिखना है। अब C3 में लिखेंगे तो C3 में क्या हो जाएगा, 65 हो जाएगा, पहला C3 का मान कितना है 65, फिर माइनस C1 की वैल्यू 2, फिर -9C2, तो 9 का इसमें गुणा करेंगे 9 7 63। ठीक है, अब इसी तरह आते हैं सेकंड पे, तो सेकंड में देखिए पहले 75 है, फिर -C1 करेंगे, C1 की वैल्यू 3 है तो लिखेंगे 3, -9C2, तो C2 में 9 का गुणा करेंगे तो 9 8 72 हो गया। इसी तरह तीसरे में कर लेंगे तो ये हो जाएगा 86 -5 -81, ये हो गया सारणी। क्लियर समझ में आ गया ध्यान से, चलिए कर लेते हैं 2 7 और इसको घटाएंगे ये आ जाएगा 0, और ये 3 8 0 5 9 0। अब देखिए किसी एक कॉलम का पूरा वैल्यू 0 है, तो ये टोटल का टोटल हो जाएगा आंसर 0, ये हो जाएगा राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अब देखिए 4 में क्या करना है, इसको भी ध्यान से समझिए, ये हमारा दिया है, ये देखिए एक तरह से साइक्लिक ऑर्डर में रोटेट हो रहा है, देखिए ए बी बी सी सी ए, ये भी ए बी सी बी सी ए सी ए बी, एक तरह से साइक्लिक ऑर्डर में ये घूम रहा है। तो हमें क्या करना है, अगर पहले इसमें हम गुणा कर लेते हैं फिर देखते हैं इसमें मिल क्या रहा है, तो 1 1 1, ये है बी सी, ये है सी ए, ये है ए बी, अब इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी प्लस ए सी, यहाँ पे बी सी प्लस ए बी, यहाँ पे ए सी प्लस ए बी, सॉरी बी सी है। ठीक है, ये चीज़ें मुझे मिल गया, अब हमें ध्यान से इसमें देखना है क्या अब कर सकते हैं। देखिए अगर हम क्या करते हैं, इसको इसके साथ जोड़ लेते हैं, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए मिल जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, मतलब तीनों चीज़ें एक ही मिल जाएगा। अब तीनों चीज़ों को मैं अगर कॉमन कर लेता हूँ तो 1 1 1 मिल जाएगा, और यहाँ पे भी 1 1 1 है, तो दो कॉलम अगर बराबर होता है तो वो मान 0 हो जाएगा, वो चीज़ करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, एल्गोरिथम भी लिखना पड़ेगा, तो हम C3 में लिखेंगे क्या, C2 प्लस C3 को जोड़ना है। ठीक है, इसको और इसको जोड़ना है और C3 में हमें लिखना है, चलिए करते हैं, ये हो जाएगा 1 BC, इसमें हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं, हमें केवल C3 में लिखना है, इसमें केवल यही करेंगे। तो हम यहाँ पे अब C3 में जोड़ेंगे तो लिखेंगे, पहले लिखेंगे AB प्लस BC प्लस CA, मैं एकदम सीरियल वाइज लिखता हूँ, AB BC CA, फिर इसमें भी AB BC CA सीरियल वाइज लिखता हूँ, AB प्लस BC प्लस CA, इसमें भी वही चीज़ें करेंगे, AB प्लस BC प्लस CA, ये हो गया सारणी। ठीक है, अब देखिए ये तीनों चीज़ें एक ही चीज़ें हैं, तो इसको कॉमन कर लेते हैं बाहर,
तो सारणी का एक नियम होता है, अगर कॉमन किसी में करते हैं तो वो सारा मान जीरो होता है। और ये मतलब नहीं होता है सारणी में कि अगर इसको कॉमन करते हैं तो इसमें भी कोई परिवर्तन होता है, ऐसा कुछ नहीं है। इसका एल्गोरिथम देखने के लिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा एक बार, उसका सारा एल्गोरिथम आपको पता चल जाएगा कि सारणी का क्या नियम है। कॉमन करते हैं, क्या कॉमन करेंगे, हम कॉमन करेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये कॉमन करेंगे बाहर, तो हमें मिल जाएगा 1 बी सी और यहाँ पे 1, फिर 1 सी ए 1, 1 और ये ए बी और ये 1, ठीक है। तो यहाँ पे दो कॉलम हमारा समान हो गया, तो दो कॉलम समान होता है तो सारणी का पूरा मान जीरो, और इस जीरो का मान इसमें गुणा करेंगे तो सारा का सारा टोटल आ जाएगा जीरो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से समझिएगा, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है लेकिन समझ में पूरी तरह से आ जाएगा यदि आप समझना चाहेंगे तो। देखिए ये चीज़ें हमें दिया गया, हमें इस बार जीरो नहीं सिद्ध करना, हमें इस बार ये सिद्ध करना है। तो इसके लिए जो एल्गोरिथम पहले अपनाएंगे वो लिखेंगे आर वन में हमें लिखना है आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री से, ये हमें उपयोग करना है। मतलब इस आर वन में केवल लिखेंगे और जोड़ना किसको है, R1 को R2 को R3 को इन सभी को जोड़ लेना। तो चलिए हम जोड़ते हैं यहाँ से बारी बारी से और दिखाते हैं कैसे। तो B प्लस सी और C प्लस A प्लस बी, तो पहले में हम सभी को जोड़ लेते हैं C प्लस A और प्लस A प्लस बी, ये पहले को मैंने जोड़ लिया R1 R2 R3 तीनों जोड़ लिया, इसी तरह सेकंड में भी Q प्लस R प्लस R प्लस P प्लस P प्लस Q, इस तीनों को भी जोड़ लिया, और इधर Y प्लस जेड प्लस जेड प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस वाई, ये मैंने जोड़ लिया। अब नीचे क्या करना है, नीचे को छोड़ देना है क्योंकि नीचे मैंने आर वन में ही मुझे लिखना था, मैंने आर वन में लिख लिया, बाकी किसी में कोई परिवर्तन नहीं। तो सी प्लस ए ए प्लस बी, यहाँ पे आर प्लस पी पी प्लस क्यू, यहाँ पे जेड प्लस एक्स था और ये एक्स प्लस वाई, ये हो गया सारणी, ठीक है। अब करने के बाद देखिए B दो बार है, C दो बार है, A दो बार है, और इसमें भी वही चीज़ें दो दो बार है, तो हम क्या करेंगे उसको दो ले लेते हैं और ये हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी, और इधर भी हो जाएगा 2P प्लस क्यू प्लस आर, दो दो बार है, और यहाँ पे भी 2X प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। करने के बाद बाकी चीज़ों को छोड़ देना है, A प्लस बी, यहाँ पे R प्लस पी पी प्लस क्यू, यह है जेड प्लस एक्स, यह है एक्स प्लस वाई, ये हो गया सारणी। अब देखिए टू सभी में कॉमन दिख रहा है तो हम टू को कॉमन कर लेते हैं, क्योंकि हमें क्या लाना था, हमें देखिए टू लाना था, तो इसलिए मैं टू को पहले बाहर निकाल लेता हूँ क्योंकि मुझे टू लाना ही लाना था। तो टू को कॉमन कर लेते हैं तो मिल जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, सी प्लस ए, ए प्लस बी, यहाँ पे पी प्लस क्यू प्लस आर, आर प्लस पी P प्लस क्यू, यहाँ पे है X प्लस वाई प्लस जेड, और यह है जेड प्लस एक्स, और यह है X प्लस वाई, ये है सारणी। टू को मैंने बाहर कर लिया। अब करने के बाद देखिए क्या करना है, A प्लस बी प्लस सी में से इन दोनों को बारी बारी से घटा लेना है, ठीक है, क्योंकि इसमें हमें B मिल जाए और इसमें हमें C मिल जाए, घटाएंगे तो हमें वो चीज़ मिल जाएगा। और जो चीज़ें घटाएंगे उस चीज़ों को हमें कैसे लिखना है एल्गोरिथम में, आर टू में हमें क्या करना है, R2 माइनस R1 घटाना है, कॉमा R3 में भी वही चीज़ें करना है, R3 माइनस R1 घटाना है, ये एल्गोरिथम हम अपनाएंगे। चलिए ये अपनाते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, इसके लिए मिल जाएगा 2, यहाँ पे A प्लस बी प्लस सी, पहले में R2 है R3 है, R1 में कोई परिवर्तन नहीं करना, तो इसको मैं लिख लेता हूँ P प्लस क्यू प्लस आर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, आर वन में मुझे कोई परिवर्तन नहीं करना था इसलिए मैंने इसको लिख लिया। लेकिन सेकंड में क्या करना है, ये हो जाएगा माइनस बी, ये हो जाएगा माइनस सी, यहाँ पे माइनस क्यू माइनस आर माइनस वाई माइनस जेड, ठीक है। ये करने के बाद अब देखिए क्या करना है, अब एल्गोरिथम हम अपनाएंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं क्या हम अपनाएंगे, आर वन में हमें लिखना है आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, क्योंकि हमें ये जो बड़ा दिख रहा है उसको भी हटाना पड़ेगा ताकि हम जो सिद्ध करना चाहते हैं वो आ सके। तो देखिए उसको इस तरह से टोटल जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, बी और सी हमारा हट जाएगा, ऊपर मिल जाएगा केवल ए, ये बी से कटेगा सी से कटेगा, मिल जाएगा केवल ए, और नीचे क्या है माइनस बी माइनस सी,
इसी तरह इसमें भी हो जाएगा, तो इसमें मिल जाएगा p माइनस क्यू माइनस आर, और यहाँ पे मिल जाएगा x माइनस वाई माइनस जेड, ये चीजें मिल गई। अब देखिए इसमें भी माइनस, सभी में इसमें भी माइनस है, तो हम माइनस को कॉमन करते हैं, तो इसमें माइनस कॉमन करेंगे और एक इसमें करेंगे, तो ये दोनों माइनस माइनस कॉमन होके प्लस हो जाएगा, तो कह सकते हैं टू। और यहाँ पे ए पी एक्स, फिर यहाँ पे बी क्यू, और ये है वाई, और ये सी आर जेड, सी आर जेड, ये चीजें मिल गई। यही चीजें हमें लाना था, इसलिए लिखेंगे राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए, क्वेश्चन नंबर सिक्स में लिखा है शारीरिक दिया गया है इज इक्वल टू जीरो, ये हमें केवल सिद्ध करना है। इसमें ऐसा कुछ नहीं बोला है कि आपको वही नियम अपनाना है, विस्तार विधि नहीं करना है, कुछ भी आपको ऐसा नहीं बोला है। तो देखिए इसको आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, तो मैंने आपको एल्गोरिथम मेथड तो अपना दिया, बता दिया कैसे करते हैं। किसी दो को या तो जीरो बना, एक को जीरो बनाइए, या तो किसी दो को समान बनाइए, बहुत सारे ऐसे नियम मैंने बता दिए हैं, तो किसी तरह से आप जीरो ला सकते हैं। चलिए अब इसको विस्तार विधि से भी एक बता देते हैं, ताकि आपका बेसिक मजबूत हो जाए। तो विस्तार विधि से हम यहाँ पे बताएंगे, पहले जीरो को कॉमन लेंगे, तो हमारा मिल जाएगा ये जीरो का जीरो, ये हो जाएगा सीधे लिखेंगे सी स्क्वायर, माइनस पहले से होता है और ये माइनस में सी स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसके बाद लेंगे ए को, तो माइनस ए लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा जीरो प्लस बी सी, ठीक है, इसको हटाते हैं, तो ये हो जाएगा जीरो और ये हो जाएगा प्लस बी सी। फिर इसके बाद माइनस बी लेंगे कॉमन, ये बी, तो इसको छोड़ते हैं, तो ये मिल जाएगा माइनस सी ए और ये जीरो, तो लिखेंगे माइनस ए सी या सी ए, और ये हो जाएगा जीरो, तो उसको छोड़ देते हैं, ये चीजें मिल गया। अब देखिए ये तो जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए बी सी, और यहाँ पे प्लस ए बी सी, तो माइनस ए बी सी प्लस ए बी सी मिलकर जीरो, जो हमें प्रूफ करना था जीरो वो चीजें आ गया, तो इसलिए लिखेंगे राइट हैंड साइड, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये छह क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर सेवन से मैं पार्ट टू में बनाने वाला हूँ, पार्ट टू में, उसको देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, या वीडियो के अंत में आपको नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करना है, वहां पे आपको मिल जाएगा पार्ट टू, और पार्ट टू में सेवन क्वेश्चन से स्टार्ट करके सारे क्वेश्चन को मैं खत्म कर दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।